सीएम भूपेश बघेल दो दिन के दौरे पर बस्तर पहुंचे। उन्होंने लालबाग में बने नेहरू मंच का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी मंच से पूरे देश के आदिवासियों को संबोधित किया था। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि बस्तर को देश दुनिया से जोड़ने के लिए बीजेपी ने एयरपोर्ट तो बना दिया लेकिन उड़ान शुरू नहीं की। एनएमडीसी प्लांट को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, राज्य सरकार केंद्र से एनएमडीसी प्लांट खरीदने को तैयार थी लेकिन केंद्र सरकार ने प्लांट मकान कंपनी को दे दिया। इसी मंच से उन्होंने पूरे देश के आदिवासियों को संबोधित किया था, जो तीन दिन तक के सम्मेलन चला, जिसको उद्घाटन भाषण उन्होंने दिया था और ट्राइबल किस प्रकार से आगे बढ़े उसकी रूपरेखा उस समय तैयार की गई थी। तो बस्तर के लोगों ने, जगदलपुर के लोगों ने इस जगह को सुरक्षित तो रखा लेकिन इसे आधुनिक ढंग से बनाने में उसकी मूर्ति स्थापना भी की गई है और उसके जुड़े हुए जो स्मृति है उसे भी दिखाने की कोशिश, और साथ ही जो पंचशील प्रोग्राम है उनका और उसे 5 स्तंभों में उसे उकेरा गया। प्लेन के बारे में आप सब जानते हैं, एयरपोर्ट के बारे में प्रधानमंत्री जी आए थे और शुरू करके गए, एक दिन चला उसके बाद बंद हो गया था। बाद में हम लोगों ने जो शुरुआत की अब वो फूल चल रहा है यहाँ से लेके हैदराबाद और रायपुर तक के। तो विकास के कार्य के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। बस्तर के विकास में कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं, बस्तर के लोगों के लिए, बस्तर के विकास के लिए। प्राइवेटाइजेशन विधानसभा हम लोगों ने पारित किया कि हमको दे दीजिए, हम लोग चलाएंगे, छत्तीसगढ़ सरकार चलाएगी। अभी फिर बात ऐसी चल रही है, जो जानकारी मिली कि मकान को जो भारत सरकार की एक